कोचिंग संस्थान का रिजल्ट इस बात को साबित करता है, ये कम भीड़ कि यहाँ पढ़ाई वास्तविक में होती है। अब यहाँ के एमडी और यहाँ के निर्देशक जो है उनसे हम कुछ विशेष बातचीत करेंगे। नमस्कार, त्रिहुत लाइव न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुमित सिंह। अभी हम उपस्थित है शिवहर जिले के एक कोचिंग संस्थान इंजीनियर्स एकेडमी में, जहां इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद आज यहां पे बड़े सफल छात्र छात्राओं को इस संस्था के माध्यम से सम्मानित किया गया है। यहां पे जो भी छात्र छात्राएं सफल हुए हैं उनसे हम कुछ विशेष बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस तरीके की उनकी स्ट्रैटेजी रही और किस तरीके की आगे की योजना है, जिन योजनाओं के तहत वो आगे बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम इस भाई से जानेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और हमारे दर्शकों को आप बताइए, आप अपना परिचय दीजिए और आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को बताइए। जी, मेरा नाम शिवम कुमार हुआ और मेरा प्रोपरगढ़ यहीं शिवर हुआ और मैं इंजीनियर्स एकेडमी इंस्टीट्यूट से ही इंटर किया हूँ। और मेरे पढ़ने की स्ट्रैटेजी यही रही कि थोड़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम से छात्र था और मुझे इंग्लिश लेनी पड़ी थी। तो इसमें सर लोगों ने और खासकर रुपेश सर ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया और मैंने थोड़ा बहुत अच्छे से मेहनत किया और आगे पढ़ा। और सर लोगों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, खासकर संजयन सर ने। मुझे साइंस नहीं बिल्कुल आती थी, फिर भी सर ने मुझे समझाया कि ऐसा करो। मैं सर ने जैसा बताया मैं उसी तरह से मैं पढ़ता गया। कितना कितना परसेंट आपका मार्क्स है? मेरा 83% है। 83%। कितने घंटे आप अध्ययन किया करते थे? मैं बता दूं, मैं सच बोल रहा हूं, मैं कम से कम 17 से 18 घंटे रोज़ पढ़ता था। तो आगे आप किस क्षेत्र की ओर जाना चाह रहे हैं? आगे मैं UPSC की तैयारी करूँगा। अभी मैंने फॉर्म भी जा रहा हूँ मैं भरने JNU का, जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, और उसी का प्रिपरेशन करूँगा। अगर उसमें एडमिशन मिलता है तो मैं आगे सिविल सर्विस की तैयारी करूँगा। हमारे यहाँ पे एक बहना है, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सनाया शौक है। आपके कितने प्रतिशत आए हैं? मेरे 79.4%। आपकी क्या योजना रही है, किस प्रकार से आपने इतने अच्छे प्राप्तांक हासिल किए हैं? मैंने हार्ड लेबर किया है, मतलब दिन रात मेहनत करके पढ़ा। जब मैं इस कोचिंग में आई थी तो मेरा केमिस्ट्री जो बहुत ज़्यादा वीक था, मतलब बिल्कुल भी मन ही नहीं लगता था केमिस्ट्री पढ़ने, लेकिन संजयन सर ने मुझे बहुत साथ दिया केमिस्ट्री में, मतलब अच्छे नंबर से पास होने। ठीक है, धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या हुआ? आरती कुमारी। आपके कितने प्रतिशत है? 79.2%। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहे हैं? मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश एंड ऑप्शनल में बायो था। ऑप्शनल में बायो था। बायो में कितने आए हैं ऑप्शनल में होने के बाद? 61, बिना पढ़े हुए। बिना पढ़े हुए, हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रितु पटेल। आपके कितने प्रतिशत अंक आए? 81%। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि 81% आपने। और क्या योजना है आपको आगे, आपकी आगे? आगे हमको UPSC करना है। UPSC, आप भी प्रशासनिक विभाग में जाना चाह रही है। चलिए, भाई साहब आपका कितने प्रतिशत है? 65% है। 65%, चलिए बहुत बढ़िया। हमें ईश्वर से मैं ये मांगता हूँ कि आपकी अभिलाषाएं आगे पूर्ण हो। भाई आपका कितना प्रतिशत है? 61%। चलिए, क्या कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट रहा है? साइंस में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, इंग्लिश। चलिए, मैथ्स में आपके कितने आए हैं? मैथ में मेरा 66 आया। चलिए बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है कि सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर, लेकिन इस कोचिंग संस्थान का रिजल्ट इस बात को साबित करता है, ये कम भीड़ कि यहाँ पढ़ाई वास्तविक में होती है। अब यहाँ के एमडी और यहाँ के निर्देशक जो है उनसे हम कुछ विशेष बातचीत करेंगे और उन्हें हम निमंत्रण देंगे कि वो यहाँ पे आए स्टेज पे और जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से पढ़ाते थे ताकि उनके छात्र छात्रा इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं। सर, आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम संजयन कुमार है, मैं केमिस्ट्री के यहाँ मतलब डील करता हूँ बच्चों को, और बच्चों को इतनी आसानी वे में पढ़ाता हूँ कि वो लोग सारे चीज़ों को समझें और अच्छा परफॉर्म करें अपने क्लास में, यही है। तो सर, आपकी ये कोचिंग संस्था कितने वर्षों से है? यहाँ पे 5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन बाहर में मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है टोटल। अभी तक हमने 13 साल से केमिस्ट्री फील्ड में वर्क किया है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें इसलिए उन लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ
तीनों को अच्छे टीचर से भी दिलवाता हूँ और उन लोगों को बेसिकली समझाता हूँ कि कैसे मार्क्स लाना चाहिए। ये थे इस कोचिंग संस्थान के निर्देशक महोदय संजयन कुमार जी, जिनके नेतृत्व में यहाँ शिक्षा दी जाती है सभी छात्र छात्राओं को। एक विज्ञान का कोचिंग संस्थान है जो यहाँ पे जी नीट की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। यहाँ पे एक नीट के भी छात्र है रोशन कुमार, जो यहाँ पे अभी अध्ययन भी कर रहे हैं, मैं उनसे मिला भी हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा कि इस जिले में भी इस प्रकार का कोचिंग संस्था है। सर आपका शुभ नाम क्या है हमारे दर्शकों को? रूपेश कुमार सिंह नाम है मेरा। रूपेश कुमार सिंह सर का नाम है। सर आप अपनी योग्यता हमें बताएं। मैंने मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी से MA किया, ग्रेजुएशन किया, बेंगलोर से मतलब क्या कहते हैं कि मैंने BEd किया, MEd किया, और उसके बाद आई हैव स्पेंट मोर देन 18 ईयर्स इन मुजफ्फरपुर इन सनशाइन स्कूल। एंड आफ्टर दैट हम लग गए सिविल सर्विसेज की तैयारी में, फिर चले गए दिल्ली। वहाँ से पुनः वापस आने के बाद मैं शिवहर में ही माने जुड़ा इंजीनियर्स एकेडमी से, और बच्चों को प्रयास किया कि वो खास करके वे बच्चे जो देहाती क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, है ना, तो उनके लिए एक माने अच्छी व्यवस्था जो है देने का हम लोग यहाँ प्रयास किए। और उस तरह से हमने मेहनत किया जिसमें हमारे एक बच्चे भी हैं जो अच्छा मार्क्स लाए हैं, ये हैं सामने रितु कुमारी, आर्ट्स फैकल्टी है इनका, और मेहनत किया तो रिजल्ट सामने है। सर आप इन सभी छात्र छात्राओं से क्या अभिलाषा और क्या एम्बिशंस रखते हैं? आंतरिक अभिलाषा तो हर शिक्षक का यही होता है कि हमारे बच्चे जहां भी जाएं वहां अपने नाम के अनुसार काम करें, और उनकी जो आकांक्षा होती है जिन बच्चों का कि हमें सिविल सर्विस में जाना है या मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो उसके अनुरूप है ना लगन से काम करे तो कहा जाता है कि सफलता जो है कदम आसानी से चूम ही लेती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, जैसा कि हमने कर दिखाया है। हमारे सारे बच्चे आपके सामने हैं। आप अपना परिचय दें सर। Myself संजय कुमार राय, आई एम बायोलॉजी टीचर इन इंजीनियर्स अकेडमी। ये छोटा सा परिचय है, आई एम फ्रॉम पूर्वी चंपारण, और यहाँ पे चूँकि पढ़ाने का जहाँ तक बात है तो ये है कि हमारा यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब इंटरेस्ट है बच्चों के प्रति कि हाँ मैं उनको पढ़ाऊँ, कुछ अच्छा करे वो हमारे पढ़ाने से। तो इस एनर्जी और इस फ्लो को लेके मैं बच्चों के साथ जुड़ता हूँ और उनको पढ़ाता हूँ, और आज इंजीनियर्स एकेडमी में इस तरीके से आगे भी जा रहा हूँ। कितने वर्षों से आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं? 7 ईयर्स। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।